हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो अभी हम वीडियो देखेंगे ना, उसका टाइटल बताऊं क्या है? टाइटल है अचीवमेंट्स ऑफ मोदी सरकार, ठग लाइफ, टॉप मोमेंट्स। तो काफी अच्छा टाइटल लग रहा है और ऐसे लग रहा है सारी अचीवमेंट्स बताएंगे शायद। मैं तो यही होप कर रही हूँ कि क्या अचीवमेंट की हैं मोदी सरकार ने जब से वो आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जल्दी से वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और जो साथ में बेल आइकन है, घंटी है ना, उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे ऐसे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और करना शेयर इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कौन कौन सी अचीवमेंट्स की गई हैं मोदी सरकार के द्वारा। दे देते। उसके बाद दो बच्चों के बाद उन्होंने लगातार मेरे साथ एबॉर्शन करवाए, और जिसके कारण मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। रात को निकल निकल के बाहर खड़ा कर देते, भूखे प्यासे रखते, बहुत परेशान हो गई। बच्चे भी भूखे प्यासे, पड़ोसियों से पानी मांग मांग के पी रही हूँ। उन्हें खाने पीने को कुछ देता पर मारता पीटता, कैसे बाहर निकाल देता। 10 अप्रैल को ऐसे 10-11 बजे करीब उन्होंने घर से बाहर निकाल के धक्का मार के निकाल दिया। कह रही यहाँ से तलाक तलाक जा घर पे। जो संशोधन पक्ष में खड़े हो जाए, अब जो सदस्य संशोधन के विरोध में हुए खड़े हो जाए, जो विरोध history has been created, ladies and gentlemen. History that was beckoning for now a few years has come new shape to new India. After today, the Supreme Court stepping in, ending the practice of triple talaq. वाकई आप ओबेसिटी आप समझते ये ऐतिहासिक है? क्या वाकई आज हिस्ट्री बनाई गई है, या आप समझते अभी भी आप देखते हैं इसको कि कहीं ना कहीं ये एंटी इस्लाम है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मीडिएवल प्रैक्टिस, पुरानी एक प्रैक्टिस थी जो महिलाओं के विरोध थी, आज वो खत्म हुई। तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि क्या आप मानते हैं ये ऐतिहासिक है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐतिहासिक नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं से नाइंसाफी का बहुत बड़ा बाइस बनने वाला है। पहली फुर्सत में निकल, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बीजेपी जो है 335 या 370 को हटाने की कभी अहल बन सकती है? आपको क्या लगता है? कभी नहीं हो सकता, कभी ना होगा। पूछना चाहिए, अगर हो गया ऐसा तूफान उठ जाएगा जिस पे वो काबू नहीं कर सकता। कोई तूफान नहीं। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 2 के। भारतीय जनता, कश्मीर जनता खुश है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, यहाँ से लोग पर्यटक जाएंगे। हमें डर लगता था वहाँ पर, तो जहाँ भी अभी रोजगार नहीं है वहाँ यूटी ही बना देना चाहिए। नहीं, जहाँ आतंक है, जहाँ कट्टरपन का माहौल फैला जा रहा है, जहाँ पे कश्मीर पाकिस्तान से फंड फंडिंग आ रही है, जहाँ के युवा पत्थर उठा रहे हैं, वहाँ पे यूटी बनाया जाना चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, facts. So mass grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap.
has won the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता, बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता। साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए। इतना कंफ्यूजन करके क्योस कर दिया था जो भी नागरिकता दी जाए हमारे को दी जाए, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, नागरिकता दी जाए। आज खुशी की बात ये हो रही है, पूरे भारत में ये हो रही है और पाकिस्तानी जो भी कैंप से हिंदू आए हुए हैं उनको सारे दिलों की ये धड़कने बोल रही है कि जैसे त्योहार है होली दिवाली उससे ही बेहतर आज बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे को नागरिकता मिलने वाली और हमारी आज़ादी होगी। और इसीलिए हम एक लड़की यहाँ पैदा हुई है, उसका नाम नागरिकता रखा गया है, वो लड़की को आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आज ही पैदा हुई है, आज ही उसका नाम नागरिकता रख दिया गया, इससे खुशी की बात और कौन सी हो सकती है हमारे को। SoundCloud, but none of these beats feel me. I hit up a pal now. I'm starting to get the feelings of needing to shout loud. My heart is the bullet is beating. I'm hitting the clouds. Wow. Ram Mandir. देखा जाता है, हजारों लाखों लोग उसके ऊपर ट्वीट और रीट्वीट करते हैं। आप सिर्फ एक तरफा बात कैसे करते हैं हमेशा? आप सिर्फ मंदिर बनाने की बात कैसे करते हैं हमेशा? सुप्रीम कोर्ट में जो एक मामला चल रहा है, फैसला किसी के भी हक में आ सकता है, मस्जिद भी वहाँ पर कायम हो सकती है। और अगर आप एक्चुअल बेसिस पे जाते हैं अमित जी, तो मस्जिद को कायम होना चाहिए। हम तो मस्जिद चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि इस जनता ने इस दौर के लोगों ने मस्जिद को गिराते हुए देखा क्या था, किसी ने भी नहीं देखा कि कोई भगवान राम का मंदिर। In a landmark judgment in the Ayodhya case, the Supreme Court on Saturday cleared the path for the construction of a Ram Mandir. The temple will be managed by a board of trustees. The center has to set up a trust within 3 months. The court also said that the main land, that is inner and outer courtyard, is given to the trust. Meanwhile, as per the judgment, the 5-acre alternative land should be allotted to Central Sunni Waqf Board for a mosque. It was a unanimous verdict by the 5-judge bench led by Chief Justice of India. Music. And when you leave for the first time, you're going to leave for the first time. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, ये तो कमाल का वीडियो था। उन्होंने जितने बताए अकम्प्लिशमेंट्स कमाल के थे, ऐसे ऐसे थे जो कोई सोच भी नहीं सकता, और एक नहीं कितने किए उन्होंने। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हिम्मत है और जो कंट्री के लिए ठीक है वो करेंगे। जो लोग और सब कैसे आके बोले थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रिपल तलाक तो होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते बैन।
फिर जैसे वो बता रहे थे कि 370 वो तो होगा ही नहीं, सब खड़े होके बोल रहे हैं और सबको दिखा दिया कि तुम जो बोल रहे हो गलत थे, ये लो हो गया। अब तो मजा ये आना चाहिए कि उनके पास जाके फिर से उनकी उनसे बोलो अब बताओ अब आपका क्या बोलना है। और वो जो ट्रिपल तलाक में जो थे वो जो खड़े बोल रहे थे कि अगेन की ट्रिपल तलाक के, वो क्या बोल रहे थे लॉजिक कि वो औरतों के मतलब के साथ नाइंसाफी की जा रही है उसको हटा के। मैं तो सुन के हैरान हो रही थी, कोई लॉजिक ही नहीं, सेंसलेस बात कर रहे हो। वहां औरतें कह रही कि हमें मिसट्रीट किया जा रहा है, जब मन करता है वो तीन बार ही बोल के हमें बोल देते अब चली जा, और वो कह रहे कि नहीं वो अच्छा है उनके लिए। हे भगवान, क्या लोग क्या बोल सकते हैं बिना सोचे समझे, अमेजिंग है ये देख के। और फिर एक वो जो अयोध्या मंदिर के साथ रिलेटेड भी थे, वो कहते हैं कि भैया हमें हमें हमारे सामने थोड़ी कोई राम मंदिर तोड़ा गया था तो हम कैसे मान सकते हैं, या पता नहीं कुछ इस टाइप से बड़ा वियर्ड सा कोई रीजन दिया था कि वहां पे राम मंदिर है ही नहीं, पहले ही नहीं था, बल्कि हमारा मस्जिद पता नहीं कुछ ऐसे बोल रहे थे कि शायद मस्जिद भी हमारा तोड़ा, या कुछ उस टाइप से कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे थे। तो मैं उनको भी सुन के भी क्या वो एक और इलॉजिकल तुमने रीजन दे दिया। तो कमाल था ये इनके जो दिखता है ना कि लोगों के जो गलत होते हैं जिनके पास रीजन तो है नहीं है तो वो कुछ भी एक्सक्यूज बना देंगे, मतलब रीजन नहीं दे रहे एक्सक्यूजेस है, वो भी बेसलेस एक्सक्यूजेस। पर मौली जी का कमाल, गवर्नमेंट का कमाल हो गया, और इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि जहां जरूरत पड़ेगी, जहां कंट्री की वेलफेयर और बेटरमेंट की बात है, एक्शंस लिए जाएंगे, कोई डर नहीं होगा, धड़ाके से लिए जाएंगे। सो काफी अच्छा वीडियो था, और उसमें की पॉइंट ये था कि ये सारी बातें जो थी एक समय पे लगता था कि कभी पॉसिबल नहीं होंगी, जब तक दूसरी पार्टी थी पावर में तो सभी लोग ये देखते थे तो ये तो जी बहुत बड़ी बात है, ये सब बातें बहुत बड़ी हैं, ये कभी भी कभी नहीं हो पाएंगी इंडिया में, कभी कोई मानेगा नहीं, कभी नहीं हो सकती, यही थॉट प्रोसेस था बचपन से, हम भी देखते आ रहे हैं। तो बचपन से हमारे को भी पेरेंट्स और सभी लोग जो यही बोलते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, चाहते थे सब लोग, पॉइंट ये था कि सब लोग चाहते थे कि ये होना चाहिए, मगर लोग ये कहते थे कि बड़ा मुश्किल है इंडिया में होना। और यहाँ पे देखिए मोदी जी की सरकार आती है पावर में और कितनी जल्दी से ये चीज़ें होती हैं, ये इतने साल से दूसरी पार्टी थी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बीजेपी आती है और इतने कम समय में इतना सारा काम कर जाती है। अब देखिए कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा और चीज़ें होती जाएंगी, जो उनके मैनिफेस्टो में थी वो बातें वो कंप्लीट कर रहे हैं कि देखिए आपने जो है बीजेपी को इलेक्ट किया है बेसिस ऑफ दी मैनिफेस्टो, तो अब जो है बीजेपी मैनिफेस्टो को पूरा कर रही है, उसके बाद जो है लोग खुश रहेंगे, बोलेंगे देखिए हमने इनको पावर में लाया, इनने सारे काम कर दिए, तो ऑफकोर्स इन्हीं को पावर में लाते जाओ, क्योंकि अगर सारे काम होने और इंडिया इतनी तेज प्रोग्रेस हो रही है, जैसे वो बोल रहे हैं कि इतने सालों से 72 ईयर्स से जो काम नहीं हुए वो 5-10 साल में, 10 साल भी शायद पूरे नहीं हुए, 5-6 साल 8 साल में इतनी तेजी से इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं, 72 ईयर्स का पूरा बैकलॉग अब हो रहा है, तो डेफिनेटली जैसे मोदी जी कह रहे हैं और सभी लोगों को भी फील हो रहा है कि न्यू इंडिया है जो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, हर जगह पे टक्कर ले रहा है, और जैसे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया चाइना को, और अभी और 43 और कुछ और ऐप्स भी और बैन कर दिए हैं, हमें लगता नहीं है कि उसकी लिस्ट आई है, मगर वो लिस्ट भी देखना चाहेंगे हम लोग, मगर जिस तेज़ी से आगे इंडिया मॉडर्नाइज हो रही है, हाईवेज का नेटवर्क बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली मतलब ये अमेजिंग बात है, और हमेशा हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के लोगों को पता था किसे वोट करना है। और दूसरी तरफ जहाँ डायनेस्टी है, मुझे लगता नहीं है डायनेस्टी कभी पावर में आने वाली है, क्योंकि लोगों को दिख गया एग्जाम्पल कि जहाँ पे इस टाइप का नहीं होता, राजे का बेटा राजा वो नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जो मेहनत करेगा उसको मौका मिलना चाहिए हेड बनने का। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, इन्होंने बहुत ही की पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया ये वीडियो देख के, और वही कहते हैं ना भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उनकी इंटरव्यू भी अभी हमने रिसेंटली की थी आपकी अदालत में, उसमें भी उन्होंने कमाल का बोला था। तो अगर आपने वो नहीं देखी ना वीडियोस, उसके मेरे ख्याल से हमने 4 पार्ट किए थे, तो आप सर्च कर लेना आपकी अदालत मोदी जी लिखकर, आपको मिल जाने चाहिए, और जरूर देखना, बहुत अच्छी इंटरव्यू थी, और वो थी उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की,
तो जो उन्होंने उस टाइम बोला वो उन्होंने किया भी है, तो अमेजिंग। तो मजा आ गया ये वीडियो देख के, दिल खुश हो जाता है जब ऐसी वीडियोस देखो और देखो कि इतनी अकम्पलिशमेंट्स हो रही हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।